एज वी नो परचेज इज डेबिटेड एंड परचेज रिटर्न इज क्रेडिटेड सो यहाँ पे हम मोहन को परचेज रिटर्न कर रहे हैं तो हमारी एंट्री होनी चाहिए मोहन अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट परचेज रिटर्न अकाउंट नाउ फोर रुपीज थाउजेंड ये एंट्री होनी चाहिए हुई क्या है क्लियरली सेड कि वो जो जो भी परचेज रिटर्न है वो ड्यूली इट इज रिकॉर्डेड इन द परचेज रिटर्न बट ओमिटेड टू बी रिटर्न इन द मोहन अकाउंट मोहन के अकाउंट में लिखना हम भूल गए हैं मतलब इसकी जो रॉन्ग एंट्री हुई है वो ऊपर कुछ भी नहीं है डेबिट में कुछ भी नहीं है सिर्फ टू परचेज रिटर्न टू परचेज रिटर्न अकाउंट हुआ है वन थाउजेंड मतलब डेबिट में कुछ भी नहीं है अब आप कहोगे मैम ऐसे कैसे जर्नल एंट्री तो डेबिट क्रेडिट दोनों होती है ना बट ये तो रोंग है ना तो रॉन्ग में कौन सा रूल मानते हो नहीं मानते ना आप खुद बताओ गलती करते हो तो रूल मानते हो क्या नहीं मानते ना तो वही है ये गलती कर रहे हो तो रूल मानोगे ही नहीं तो यहां कोई रूल नहीं है कि डेबिट में होना ही चाहिए तो नहीं है पर नहीं डाला ठीक है तो मोहन के अकाउंट में नहीं गया है रिटर्न में चला गया। अब क्या मोहन के अकाउंट में डाल देते हैं अगर अब ये आपके पास दो तरीके हैं इसको रेक्टिफाई करने के एक सस्पेंस अकाउंट एज वी नो हम हम तो पता है ना हम रूल के साथ ही रेक्टिफाई करेंगे हम क्या करेंगे मोहन को तो डेबिट करना ही है हमें मोहन अकाउंट डेबिट फॉर वन थाउजेंड एंड उसके नीचे कोई अकाउंट नहीं है तो इसीलिए अब ये सस्पेंस अकाउंट की क्या कहानी है सस्पेंस अकाउंट का मतलब देखो ट्रायल बैलेंस अगर बन चुका है ट्रायल बैलेंस नहीं बना है तो एक स्टेटमेंट पास करोगे मोहन अकाउंट विल बी डेबिटेड बाय वन थाउजेंड ठीक है स्टेटमेंट पास करोगे मोहन अकाउंट विल बी डेबिटेड बाय या मोहन के अकाउंट में डाल दोगे डेबिट में 1000. अगर ट्रायल ट्रायल अकाउंट बन बन गया है, trial balance बन गया है बैलेंस है ट्रायल बैलेंस में मैच नहीं हुआ होगा ऑटोमेटिकली एक साइड की गलती है वन साइड की गलती कभी भी होती है तो ट्रायल बैलेंस मैच नहीं होता है ट्रायल बैलेंस मैच नहीं हुआ होगा तो क्या अकाउंटेंट एक सस्पेंस अकाउंट बना देता है उसमें Again, कोई भी हैं उस सस्पेंस से हम उसको क्लियर कर पाएं। so, उस suspense से ही हम क्लियर कर रहे हैं ठीक है? तो ट्रायल में balance करने के लिए suspense बनाया था। उसको अब हम यहाँ पे clear कर रहे हैं बाई एंड एवरी एंट्री तो तरीका क्या है अगर ट्रायल बन गया है तो टू सस्पेंस नहीं बना है तो मोहन अकाउंट विल बी डेबिटेड बाय अमाउंट ठीक है नेक्स्ट एंट्री है क्रेडिट परचेजेस टू राम फॉर रूपीज टू थाउजेंड पोस्ट टू हिज अकाउंट एज टू हंड्रेड पहले हम समझेंगे कि अगर परचेज करते हैं हम किसी से तो हम क्या एंट्री लिखते हैं सी यहाँ पे हम लिखेंगे परचेजेस अकाउंट डेबिटेड टू राम परचेजेस में कितना टू थाउजेंड का हमारा था तो हमारी एंट्री होनी चाहिए थी ये ठीक है परचेजेस टू राम नरेशन लिखना मत भूलना कहीं पे भी बार बार बोलती हूं मैं नरेशन लिखा करो हमने क्या कर दिया गलती से हमने परचेजेस के बारे में कुछ नहीं बोला है इसका मतलब वो सही है परचेजेस टू राम राम के अकाउंट में बोला है कि राम के अकाउंट में गलती से हमने टू हंड्रेड लिखे हैं पर क्रेडिट परचेजेस फ्रॉम राम रुपीज टू थाउजेंड एंटर्ड इन हिज अकाउंट एज टू हंड्रेड तो गलती क्या हुई है राम के अकाउंट में एटीन हंड्रेड कम गए कभी भी कम जाते हैं तो सेम साइड विद डिफरेंस ज्यादा जाते हैं तो अपोजिट साइड विद डिफरेंस ध्यान रखना कम गए हैं ठीक है तो राम के अकाउंट को हमें क्रेडिट करना पड़ेगा एटीन हंड्रेड से डेबिट में तो कुछ है नहीं तो डेबिट में हम क्या लिखेंगे सस्पेंस कोई अगर एंट्री ना हो तो सस्पेंस अकाउंट ओके सस्पेंस टू राम यहां पे राम अकाउंट लिखेंगे कितना एटीन हंड्रेड एंड दिस इज आल्सो एटीन हंड्रेड अंडरस्टूड सो क्रेडिट परचेजेस थी टू थाउजेंड की राम के अकाउंट में टू हंड्रेड गई सिर्फ राम के अकाउंट में एज इमेजिनेशन नहीं कि परचेज में भी टू हंड्रेड गई नहीं राम के अकाउंट में बोला है तो राम के अकाउंट में ही गलत गया है परचेज में गलत नहीं गया है ध्यान रखना है दिस वेरी 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 इंपॉर्टेंट अजंपशन नहीं मारनी है ठीक है और 1800 हमने डाल दिए राम के अकाउंट में अगेन ऊपर कुछ था नहीं अकाउंट इसीलिए सस्पेंड लेट्स सी द नेक्स्ट एंट्री गुड सोल्ड टू अमित फॉर ₹1200 क्रेडिटेड इज इन हिज अकाउंट एज 200 नाउ अगर हम कभी सेल करते हैं किसी को तो हम एंट्री क्या लिखते हैं अमित अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट कितना ट्वेल्व हंड्रेड ट्वेल्व हंड्रेड अब उसके अकाउंट में गलती से हमने अब यहां पे एक चीज हमें समझनी है अब यहां पे क्या लिखा है यहां पे लिखा है इन इज इन हिज अकाउंट टू हंड्रेड अब यहां तो उसका अकाउंट क्रेडिट होना ही नहीं था इन्होंने गलती क्या की है उन्होंने क्या गलती की है डेबिट में तो कुछ डाला ही नहीं अमित के अकाउंट को 200 क्रेडिट कर दिया है मतलब ऊपर तो कुछ डाला ही नहीं है सेल्स के बारे में कुछ बोला नहीं है तो मतलब सेल्स परफेक्ट है सेल्स में कोई दिक्कत नहीं है बट साथ में अमित के अकाउंट को भी क्रेडिट कर दिया है सेल्स अगेन अजमशन नहीं सेल्स में ट्वेल्व हंड्रेड है तो ट्वेल्व हंड्रेड हुए हैं बट अमित में टू हंड्रेड एक्स्ट्रा हो गए हैं और डेबिट में कुछ भी नहीं है क्या करें ऐसा हुआ है आप स्टेटमेंट को पढ़ो पढ़ोजन नहीं मारनी अगेन हमें अमित को 1200 से डेबिट करना था गलती से उसको क्रेडिट कर दिया 200 हंड्रेड राइट ऑन राइट साइड रॉन्ग ऑन अदर साइड तो अमित 1200 के साथ डेबिट होगा और अमित वापस 200 के साथ डेबिट होगा तो सही होने के लिए तो यहां पे हमारा अकाउंट का कैसा आएगा अमित अकाउंट डेबिट बाय फोर्टीन हंड्रेड कैसे ट्वेल्व हंड्रेड राइट वाले टू हंड्रेड रॉन्ग वाले सही करने के लिए टू सस्पेंस अकाउंट दैट इज फोर्टीन हंड्रेड क्योंकि नीचे कुछ और नहीं है अगेन अजम्पन नहीं मारना है कि अब आम अमित को क्रेडिट किया तो सेल्स को क्रेडिट करना भूल गए ऐसा कुछ नहीं है कहीं लिखा है नहीं आप अजाम्शन बहुत मारते हो इस चक्कर में रेक्टिफिकेशन नहीं होता है अजाम्शन नहीं मारना है लिखा हुआ है कि भाई क्रेडिट सेल थी गलती से अमित को दो रुपए का क्रेडिट दे दिया ठीक है से, क्रेडिट सेल थी सेल के बारे में कुछ नहीं लिखा है वो करेक्ट है उसमें कोई चेंज नहीं हुआ है ठीक है अमित को हमने दो सौ रुपए ज्यादा क्रेडिट कर दिए है ज्यादा क्या क्रेडिट कर दिए हैं डेबिट करने थे ट्वेल्व हंड्रेड तो हम फोर्टीन हंड्रेड से उसको डेबिट कर देंगे ताकि क्रेडिट वाले टू हंड्रेड भी चले जाए और डेबिट वाले ट्वेल्व हंड्रेड भी आ जाए तो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू रेक्टिफाई लेट सी द नेक्स्ट एंट्री फोर्थ वन नेक्स्ट एंट्री है हमारी बोर्ड गुड्स फ्रॉम अगेन बोर्ड गुड्स फॉर कैश ट्वेंटी इन दिन द परचेज अकाउंट एज फिफ्टी टू हंड्रेड फिफ्ट ट्वेंटी फाइव हंड्रेड रुपीज की हम गुड्स लेकर आए थे कैश में जबकि गलती से हमने परचेज अकाउंट के अंदर अकाउंट में बुक में नहीं बुक में कभी भी जाए तो पूरी एंट्री अकाउंट में कभी भी कोई भी हो तो ऊपर की एक ही एंट्री अकाउंट परचेज को हमने गलती से फिफ्टी टू हंड्रेड से डेबिट कर दिया है एंट्री होनी चाहिए थी परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट ये डेबिट ट्वेंटी फाइव हंड्रेड ये भी ट्वेंटी फाइव हंड्रेड हमने क्या की हमने गलती क्या की हमने परचेज अकाउंट के अंदर गलती से ये कैश में कुछ नहीं लिखा है तो मतलब ट्वेंटी फाइव हंड्रेड ही है परचेजेज में फिफ्टी टू हंड्रेड डाल दिए हैं और कैश में ट्वेंटी फाइव हंड्रेड ही है यही गलती है हमारी अब क्या करेंगे परचेज में से ट्वेंटी सेवन हंड्रेड निकालने हैं तो अदर साइड सो हमारी रेक्टिफिकेशन क्या होगी यहाँ पे ऊपर तो कुछ है नहीं सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परचेज हमें निकालना है ना परचेज में से ऑन अदर साइड तो हमें कितना निकालना पड़ेगा परचेज से ट्वेंटी सेवन हंड्रेड निकालना पड़ेगा अगेन सस्पेंस ट्वेंटी सेवन हंड्रेड दिसक्ट वेन परचेज ओवर कास्ट ये ओवरकास्ट है तो उसको अदर साइड लेकर उसको सही किया लेट्स सी द नेक्स्ट एंट्री नाउ नेक्स्ट एंट्री है हमारी We have again, का जो कैरी फॉरवर्ड है वो हमने हम कितना लेकर गए हैं फॉरवर्ड इलेवन हंड्रेडेड होता है, है? यहाँ पे राइट right एंट्री नहीं होगी रॉन्ग एंट्री नहीं होगी अंडर कास्ट ओवर कास्ट में राइट और रॉन्ग एंट्री नहीं होती कैरी फॉरवर्ड जो आप गलत लेके ले ले गए ज्यादा लेके गए हम इलेवन लेकर गए हैं इन टेड ऑफ 1200 मतलब 1200 सौ की जगह ग्यारह सौ लेके गए हैं मतलब अंडरकास्ट कम गिना हमने परचेज रिटर्न हमारा होता है क्रेडिट परचेज डेबिट परचेज रिटर्न क्रेडिट तो हम क्या करेंगे सेम साइड यहां पे सीधा रेक्टिफाइड एंट्री करेंगे सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न परचेज रिटर्न अकाउंट कितना हंड्रेड रुपीज से इसको बढ़ा देंगे बस इतना ही हंड्रेड रुपीज उसमें डाल देंगे कम थे ना डाल दिए बाकी जगह पे कुछ था नहीं तो सस्पेंस में ध्यान दो अंडर कास्ट सेम साइड विद डिफरेंस अमाउंट ओवर कास्ट अदर साइड विद डिफरेंस अकाउंट डिफरेंस अमाउंट जो भी होता है उससे अंडर कास्ट सेम साइड उसको बढ़ा रहे हैं ओवर कास्ट अदर साइड तो सेम साइड मतलब जो अकाउंट का है साइड वो तो परचेज रिटर्न का साइड है क्रेडिट और ये कम गिना गया है इन 1200 की जगह 1100 गिना गया इसीलिए हंड्रेड रुपीज उसमें हमने और डाल दिए एंड दिस इज करेक्टेड नाउ द सम करेंगे नेक्स्ट वाला सम वापस